हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे सामने है KTM RC 200। आज हम इसमें सिमटेक हाजर्ड फ्लेशर इंस्टॉल करने वाले। आप देख सकते हो, इसे मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था 4 दिन पहले, मुझे आज ये मिल चुका है। तो गाइस, मैं इस वीडियो में सारी प्रोसेस बताऊँगा, इसमें कैसे इंस्टॉल करते हैं और क्या क्या करते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको पहले ये सीट ओपन करनी पड़ेगी, देन बाद में आपको 5mm के हलंकी लेकर इस नीचे वाला स्क्रू निकालना पड़ेगा आपको। आप देख सकते हो, यहाँ स्क्रू होता है, इसे निकालना पड़ेगा। ऐसे से निकाल के ये देखो, ये स्क्रू ये निकालना पड़ेगा। देन बाद में इस सीट को ओपन करना पड़ेगा। आप देख सकते हो, यहाँ सब बाइक की सब वायरिंग होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली देखो, आप देख सकते हो, इसको क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। गाइस, इसको फेंको मत, इसको अपने पास ही रखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बाइक का। तो गाइस, देख सकते हो, ये सिमटेक का फ्लैशर जस्ट प्लग एंड प्ले है, इसमें कुछ वायरिंग कटिंग कुछ नहीं होता। आप देख सकते हो, इसे सिमटेक का, इसमें वायरिंग कटिंग वगैरह कुछ नहीं होता और आपकी बाइक की वारंटी भी वाइड नहीं होती। सो सिंपली क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो, ये पिन है ना, इसको करेक्ट इस पर लगाना है गाइस। अरे देखो गाइस, ए वाला देखो, ए वाला जॉइंट और ए वाला जॉइंट इसमें सेम मैच होना चाहिए, आप देख सकते हो। तो गाइस, ये देखो, ये फिट हो चुका है। गाइस, ये वाटर प्रूफ है, मैंने सिमटेक का ऑर्डर किया था, आप देख सकते हो। इसे मल्टी हजार फ्लैशर, इसमें टोटल 40 पैटर्न है, आप देख सकते हो, मेड इन इंडिया। इससे मुझे 1 ईयर की वारंटी मिली है। तो गाइस, देख सकते हो, इसका बिल भी अंदर है, इसमें बिल है गाइस। तो गाइस, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे से यहाँ रखना पड़ेगा सेफली। ये वाटर प्रूफ भी है, पानी जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो पर भी गाइस, आपको अच्छे से रखना पड़ेगा। देन मैंने गाइस इसे यहाँ पर रख दिया है, और मैं क्या करूँगा गाइस, इसको कभी मत फेंकना, अच्छे से रखना इसको। मैं इसमें बॉक्स में रखूँगा और बॉक्स अपने पास ही रखूँगा। देन गाइस, सीट को अच्छी तरह से फिट करो इसमें। देन स्क्रू लेकर अलंकी से बाद फिट करो। तो गाइस, देख सकते हो, सीट अच्छी तरह से बैठी नहीं। गाइस, सीट को अच्छी तरह से फिट करो, देन स्क्रू लगा। देन गाइस, लगाने के बाद इसको 5 to 10 मिनट्स छोड़ दो। अब देख सकते हो, मैंने इसे फिट कर दिया है। तो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे ऑन करते हैं। आप देख सकते हो, अब देखो देखो, एक बार ब्लिंक हो चुका है। तो गाइस, आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली लेफ्ट राइट सेंटर। तो गाइस, देख सकते हो, ये ब्लिंकर स्टार्ट हो चुका है, आप ही देख सकते हो इसे। तो गाइस, इसमें टोटल 40 पैटर्न है, आप देख सकते हो इसका लुक, आप ही देखो। तो गाइस, पीछे वाला भी देखो, आप देख सकते हो पीछे वाला भी। तो गाइस, आपको सिंपली इसको चेंज करने के लिए आपको फिर से लेफ्ट राइट सेंटर, आप देख सकते हो इसका पैटर्न चेंज हो चुका है। और आपको वही पैटर्न चाहिए तो सिंपली राइट लेफ्ट सेंटर। तो गाइस, आप देख सकते हो। तो गाइस, आपको किधर जाना हो, इसे लेफ्ट और राइट जाना हो, तो आपको डायरेक्टली इसे इंडिकेटर ऑन कर सकते हो। तो गाइस, आप ही देखो 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 गाइस, इसका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन हो चुका है, आप ही देख सकते हो। और इसे फिर से ऑन करने के लिए आपको सिंपली लेफ्ट राइट सेंटर, देखो गाइस,
ये ऑन हो चुका है फिर से, आप ही देख सकते हो। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।